उपस्थित और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री पवन सिंह चौहान जी, सदस्य विधान परिषद, उत्तर प्रदेश के पूर्व आईजी इंटेलिजेंस श्री आर के चतुर्वेदी जी, हमारे विशिष्ट अतिथि में विराजमान महान शख्सियत और हमारे आगंतुक, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन, नमन और वंदन करता हूं और आभारी हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का मौका मिला है। सबसे आभारी तो मैं माँ गायत्री जन संस्थान, जन सेवा संस्थान के फाउंडर श्री अरुण सिंह जी और निशु फाउंडेशन के संस्थापिका श्रीमती गुंजन वर्मा जी का भी हूं, जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम करके समाज में एक अच्छा संदेश दिया। और मैं समझता हूं कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस विगत कुछ वर्षों में जिस तरह से काम किया, नए उन्नत समाज का निर्माण हुआ, बल्कि हम एक उन्नत राष्ट्र की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के कार्य आ जाए, उससे बड़ी इंसानियत कुछ हो ही नहीं सकती। और मनुष्य मनुष्य पर मर मिटने की सौगंध हम सबको लेना चाहिए। और इसका जीता जागता उदाहरण जब संप्रति संपूर्ण विश्व कोरोना की भयानक चपेट में थी, हिंदुस्तान में कोरोना की लहर थी, तब तमाम गैर सरकारी संगठनों ने जिस तरह की भूमिका अदा की है, उसे कई नागरिक वर्षों तक याद किया जाएगा। और हम जिस देश में, जिस राष्ट्र में, इस राष्ट्र का इतिहास रहा है कि हमेशा हम समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति दायित्व रखते हैं और इंसानियत के विश्वास करते हैं। और यही वजह है कि पूरा विश्व की नजरें जब कोरोना काल में था तो हमारे हिंदुस्तान की तरफ था। भारत सरकार ने जो काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया, लेकिन साथ साथ इसको कंधे से कंधे मिलाकर जितने गैर सरकारी संगठनों ने काम किया, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है हमारे भारतीयों का। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री अरुण सिंह जी के लिए और श्रीमती गुंजन वर्मा जी के लिए। ऐसे ऐसे कार्यक्रम करके समाज को एक अच्छा संदेश देते हैं और इंसानियत को जिंदा रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।